नॉर्मल कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन होता है। एम एंड ए लिखेंगे तो समझ जाओगे, मर्जर एंड अमालगमेशन होता है। तो हमें किससे अप्रूवल लेनी होती है? एनसीएलटी से, सही बात है। हाँ, और कंसेंट कितनों की चाहिए होती है? तो ये माना जाता है मेंबर या क्रेडिटर जिनके पास कितने शेयर्स हो, 3/4 ऑफ होल्डिंग। आपको ऊपर भी मैंने ये बात बताई थी, ध्यान है? तो हाँ सर। ये नॉर्मल कंपनियों के लिए। लेकिन अगर मान लो दो स्मॉल कंपनीज का मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, या फिर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम ये चलता है आपका कि आपको एनसीएलटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। किसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है? एनसीएलटी आपको यहाँ पे सिर्फ ये करना होगा कि अपनी कंपनी के मेंबर्स जिनके पास 90% ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, 90% ऑफ शेयर्स। इससे कंसेंट ले लो। और सेकेंड, आरओसी को इन्फॉर्म कर दो कि आपकी कंपनी का क्या हो रहा है, मर्जर या अमालगमेशन हो रहा है। तो सेक्शन 233 ये बोलता है कि अगर कभी दो स्मॉल कंपनी मर्ज होती है या होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी मर्ज होती है, तो इसके लिए 90% जिनके पास शेयर्स है उनके कंसेंट लेनी होती है। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छे से जरूरी है। तो प्रोसीजर पढ़ देते हैं कि जैसे दो स्मॉल कंपनी मर्ज हो रही है तो पहले क्या होगा, स्कीम बनाई जाएगी और इसका नोटिस भेज दिया जाएगा किसको किसको, आरओसी को, अगर कंपनी वाइंडिंग अप कर रही है तो लिक्विडेटर को, और हर वो पर्सन जो बिजनेस अफेक्टेड है, और उनसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 days। अब ऑब्जेक्शन मिलने के बाद एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। उस जनरल मीटिंग में क्या होगा, स्कीम को अप्रूव करने के लिए हमें उतने मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी जिनके पास शेयर्स कितना परसेंट है शेयर्स का, 90% है। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? या ना? अब क्या होगा, जैसे 90% जिनके पास शेयर्स है उन लोगों ने कंसेंट अगर दे दी है, तो फिर आपको आरओसी के पास एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जमा करना होगा इस बात को बताने के लिए कि आप अपनी डेप्ट पे करने के लिए कैपेबल हो, और देन आप मर्जर और अमालगमेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? मेरी बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, अगर दो स्मॉल कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को मर्ज होना है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्शन मंगवा देते हैं, फिर जनरल मीटिंग में कितने परसेंट शेयर होल्डर से पूछते हैं जिनके पास कितने, ऊपर वाले नॉर्मल कंपनियों में कितना परसेंट है, यही 75% या 3/4। अच्छा, अगर कंपनी की डेप्थ ड्यू है, कुछ डेप्थ बची है, तो क्रेडिटर से ही पूछना पड़ेगा, तो जो टोटल डेप्थ का 9/10 या 90% रखे हुए हैं, याद रखना जितना परसेंट मेंबर का लगता है उतना ही परसेंट क्रेडिटर का भी लगता है, तो 9/10 या 90% क्रेडिटर के भी कंसेंट देनी पड़ सकती है। ईमानदारी से बताओ बात समझ आई कि नहीं? बात समझ हाँ आई कि सिर्फ कैसे? सर। चलो, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आपको स्मॉल कंपनी का मर्जर अमालगमेशन समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की। किसकी बात करते हैं? फॉरेन कंपनी वो एक फॉरेन कंपनी को एक इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होना है तो आरबीआई की अप्रूवल लगती है। जब तक आरबीआई अप्रूव नहीं करेगी, ये मर्जर अमालगमेशन नहीं हो सकता। ईमानदारी से बताओ कितना क्लियर है मेरी बात? सर। अच्छे से किया ना दूरा? अब इसके जो रूल्स है, हमको ये रूल पढ़ देने चाहिए और ये पता होना चाहिए। सबसे पहले, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडियन कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, तो आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। पहले बताओ इस बात पे कोई दिक्कत? नहीं तो ट्रांसफर ही कंपनी है, ट्रांसफर ही कंपनी है, इंडियन कंपनी मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी? इंडियन कंपनी। ये एंश्योर करेगी कि बेसिकली पूरी एसेट एंड लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हो चुका है। क्या हो चुका है? वैल्यूएशन ठीक है, ताकि एक्चुअल वैल्यू पता रहे ट्रांसफरी कंपनी को अपनी। और तीसरी बात, आपको सेक्शन 230 से 232 फॉलो करना होगा, मतलब आपको एप्लीकेशन डालना होगा एनसीएलटी के पास। किसके पास? एनसीएलटी के पास का क्या मतलब है, कंपनी खुद भी डाल सकती है या फिर मेंबर्स, या फिर क्रेडिटर्स, अगर लिक्विड, फाइंड अप हो रही है तो? लिक्विडेटर। ईमानदारी से बताओ बना पाओगे नहीं बना पाओगे? समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें? अच्छे नहीं सर। से क्लियर है? हाँ
आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मेन चैप्टर खत्म हो गया बेटा, चैप्टर हो गया खत्म आपका, ठीक है, ये मेन था। अब इसमें ना एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग वर्ड का मतलब होता है ना बोलने वाले। क्या बोलने वाले? ना बोलने वाले। ना बोलने वाले। नॉर्मली आप क्या जानते हो कि जब भी मर्जर या अमलगमेशन होता है, नॉर्मल केस में कितने मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है? 75% या कितना परसेंट शेयर होल्डर? 3/4। और अगर दो स्मॉल कंपनी है तो 90%। मतलब इतनी कंसेंट आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो, डेमोक्रेसी उसको बोला जाता है जहां पर ना बोलने वालों की भी जगह हो। देखो दोनों ही सिचुएशन में मेजोरिटी हाँ बोल रही है, सही बात है गलत बात है? हाँ। तो अगर मान लो 10% पीपल ऐसे हैं, 10% मेंबर ऐसे हैं, मतलब ऐसे मेंबर जिसका इस कंपनी का कितना शेयर है? 10%। अगर वो मर्जर या अमालगमेशन से डिसेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिसेंट कर रहे हैं। डिसेंट करने का मतलब था अग्री ना करना। क्या ना करना? अग्री नहीं कर रहे। अग्री नहीं कर रहे तो उनको ये चॉइस दी गई है कि वो अपनी डिसेंट को लेकर एनसीएलटी में जा सकते हैं और वह रीजनिंग बता सकते हैं कि क्यों इस मर्जर अमालगमेशन को कैंसिल ना किया जाए। मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोला? हाँ। भाई देखो, आपको तो ये पता है मेजोरिटी कंसेंट देके करवा देगी मर्जर अमालगमेशन। अब इनको क्या करेगा, करना होगा, किसी भी हालत में अपने भी शेयर देने ही होंगे सामने वाली कंपनी को, कर क्या सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सिर के ऊपर से जा रही है? आ रही है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, रिफाइन करके ध्यान रहेगा। एक कंपनी वेरिका लिमिटेड है, ठीक है, और दूसरी कंपनी गुंजा लिमिटेड है। अब वेरिका लिमिटेड की पूरी एसेट लायबिलिटी, सारे शेयर होल्डर मर्ज होने वाले हैं गुंजा लिमिटेड में। किसमें? गुंजा लिमिटेड। ये क्या हो गई? ट्रांसफरर कंपनी हो गई। अब ये क्या हो गई? ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी को तो कोई दिक्कत नहीं, इसने ऑफर मारा हुआ है, सारी परमिशन वर्मिशन ट्रांसफरर के यहाँ लगेगी। तो यहाँ पे कितने शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, जो कितने परसेंट शेयर रखे हैं? 3/4। इसका मतलब ये है, ये पूरा जाने को तैयार है, यहाँ के शेयर एक्वायर कर देंगे, ये ट्रांसफरी कंपनी इनके शेयर उठा देगी। बात बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं? हाउएवर हम डिसेंट के लिए भी जगह छोड़ते हैं। कितनी जगह? 10% ऑफ शेयर की। ये लोग तैयार नहीं है तो इनको अलाउ किया गया, तुम कहाँ चले जाओ? एनसीएलटी चले जाओ। एनसीएलटी को क्या करवा दो? कैंसिल करवा दो। आई बात समझ में? आ गई। अपॉर्चुनिटी दी गई। अब अगर ये हार गए वहां पर, क्या हो गए? हार गए तो ट्रांसफरी कंपनी सामान इनका शेयर उठा देगी। फिर ये कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं। या तो अब ये कंपनी से निकल जाए अपना पैसा देके, या तो अब आगे ये गुंजा लिमिटेड के शेयर होल्डर हो जाएंगे। आपको हमने परमिट किया है कि आप ना बोलो, डिसेंट की हम जगह देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप हार गए ट्रिब्यूनल में जाके भी, तो फिर ट्रांसफरी कंपनी आपके शेयर उठा लेगी। बात बताओ, समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आ गया। कि आधा अधूरा है। तो आपको डिसेंटिंग में इतना पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ध्यान रहेगा? डाउट अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब ना ये क्वेश्चन अलग से आपको 7 मार्क का एग्जाम में पूछता है। आपको क्वेश्चन आता है 7 से 8 मार्क का कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मर्जर अमालगमेशन ऑर्डर कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में? एकदम ही अलग कंसेप्ट है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब जनता के भले के लिए, ये जरूरी है कि दो कंपनियों का अमालगमेट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? दो कंपनीज का अमालगमेट हो जाना चाहिए। अमालगमेट हो जाना चाहिए तो ये क्या करती है, ऑर्डर देकर दोनों कंपनियों का अमालगमेशन करवा देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मर्जर अमालगमेशन का भी मैं बताऊं आपको, तो सिंडिकेट बैंक का नाम सुने हो क्या? हाँ सर। अब ये बन गया कैनरा बैंक। क्या बन गया? किसमें मर्ज हो गया जाके? कैनरा बैंक। बैंक के एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बेसिकली ये सिस्टम लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि सिंडिकेट बैंक को क्या कर दो, कैनरा बैंक। अभी कल परसों की बात है, आईडीबीआई को सेल कर दिया गया। किसको सेल कर दिया गया? आईडीबीआई को। ये किसी और कंपनी में जाके मर्ज हो जाएगी किसी और बैंक में, और फिर वो बैंक अपनी ज्यादा बड़ी एफिशिएंसी से काम करेगा। बात समझ आई कि नहीं?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनी को अमालगमेट या मर्ज करना है तो बिल्कुल वो मर्ज या अमालगमेट कर सकती है और उसके बाद वहाँ की सारी राइट्स अथॉरिटीज लाइबिलिटीज डिसाइड कर सकती है। बताओ कितना क्लियर है, बात समझ आएगी सिर के ऊपर से? ये बताओ क्लियर है? तो सर इससे जैसे कंपनी का स्टेटस है वो भी चेंज होगा? क्या चीज? जैसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, तो अगर ये उसके लिए रूल्स सेटअप करती है तो गवर्नमेंट कंपनी भी हो गई कि जॉइंट में हो गया? गवर्नमेंट कंपनी अक्सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अक्सर गवर्नमेंट कंपनियों के मर्जर को ऑर्डर देती है, प्राइवेट कंपनियों से उसको मतलब नहीं है। तो पहले भी वहाँ का सारा डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट ही करती थी, है ना? तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि पहले से जो लीगल केसेस इन पर चल रहे हैं, पहले जो ट्रांसफरर कंपनी के नाम पे चला करते थे अब किसके नाम पे चलेंगे? ट्रांसफरी कंपनी के नाम पे चलेंगे। बात सही है कि गलत है? जितने केस पहले सिंडिकेट बैंक के नाम पे चलते थे अब किसके नाम पे चलेंगे? केनरा बैंक। जितने लोग पहले सिंडिकेट बैंक के मेंबर थे या क्रेडिटर थे अब वो किसके मेंबर और क्रेडिटर हो जाएंगे? केनरा बैंक के हो जाएंगे। आप बताइए इसमें कोई तकलीफ है क्या? इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या? बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, फिर रिपीट कर। गवर्नमेंट को ये पावर है कि जनता के भले के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में दो या दो से ज्यादा कंपनियों का अमालगमेट कर सकती है। इसमें ये माना जाता है कि जब अमालगमेशन या मर्जर हो जाता है तो जितनी प्रॉपर्टीज का क्या होगा, पावर्स का क्या होगा, राइट्स का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके देखती है। आगे ये भी कहा जाता है कि जो प्रोसीडिंग पहले ट्रांसफरर कंपनी के नाम से चल रही थी अब वो किसके नाम पे चलेगी? ट्रांसफरी कंपनी। या क्रेडिटर ट्रांसफरर कंपनी के हैं वो किसके हो जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी। अब अगर कोई इस चीज से अग्रीव है तो गवर्नमेंट का नोटिस आने के 30 दिन के अंदर वो एनसीएलटी में अपील कर सकता है। कहाँ अपील कर सकता है? एनसीएलटी में विदिन 30 डेज अपील कर सकता है। बताओ किस बात की अपील कर सकता है? बोलो। यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन पूरा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। मन में कोई तकलीफ हो तो बताओ, इसको देखकर बनेगा आपसे ये आया ना? हाँ सर। तो यहाँ पे चैप्टर का एक हिस्सा खत्म हुआ, ये भी एक यूनिट की तरह है मान के चलो। अब यहाँ से इसका दूसरा यूनिट चालू करते हैं। अब बताओ सेटिंग अप करोगे कि दूसरा यूनिट करोगे, ये बताओ? सेटिंग अप पढ़ना चाहोगे कि दूसरा यूनिट करोगे, ये बताओ? सर सेटिंग अप करोगे। तो ये दूसरा यूनिट एकदम ही अलग है, इसको मंडे को करना। फिर कब करना? मंडे। कल नहीं पढ़ाऊंगा, संडे के दिन में, ठीक है? हाँ सर। आज मैं आपको इसका ये वीडियो भेज दूंगा, आप ये देख लेना यार क्या कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन पूरा, और ना समझ आए तो मुझे बताना सर ये चीज हमको नहीं समझ आई, ठीक है? अपना सेटिंग अप कर दो। कहाँ तक करे थे, समझ आया था क्या आपको? मैंने क्या बता दिया? स्टेट चेंज करना बता दिया था, लायबिलिटी सर लायबिलिटी सब हो गया था। ये बताओ समझ आया था कि नहीं आया था? समझ आया था कि नहीं आया था, ये बताओ, बोलो फटाक से बोलो सर। आया था ना? चलो अब ना तुम कैपिटल क्लॉज बदलो। कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज बदलो। यहाँ कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज का मायना ये होता है बेसिकली कि आप ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का डिटेल होता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है ये समझो। आपको एग्जाम में पूछता है कि शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन कैसे कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा के ऑल्टरेशन कर सकते हो। किसको बढ़ा दो? ऑथराइज शेयर कैपिटल। MOA के कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? MOA के कैपिटल क्लॉज में लिखा है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, जो 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 ईच में डिवाइडेड है। मतलब आपकी कंपनी ऑथराइज है कितना रुपए लाने के लिए? 10 करोड़ रुपए। कैसे लाओगे? कितने शेयर बेच के?
1 करोड़ से ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो आप इसको इंक्रीज कर दो 15 करोड़ कर दो। 15 करोड़ करने का मतलब क्या, 1.5 करोड़ शेयर ऑफ 10 each, बात समझ आएगी, अलाउ है रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हो, बढ़ाना समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आगे दूसरा, अपना शेयर का कंसोलिडेशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन करने का मतलब होता है डिनोमिनेशन बढ़ा देना, जैसे 10 करोड़ शेयर है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए के शेयर है, आपका अभी का डिनोमिनेशन है 1 करोड़ शेयर ऑफ कितना इंच, 10 इंच। मैं इसमें ऑल्टरेशन ये कर सकता हूँ कि डिनोमिनेशन को मैं बढ़ा के अगर 10 से 100 रुपए कर दू तो शेयर 1 करोड़ से कितने हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, और अभी भी बेच के मेरे को कितना रुपए रिसीव होने वाला है, 10 करोड़। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है पर शेयर वैल्यू को बढ़ा देना, आई बात समझ में, तो जितना बढ़ाओगे उतने शेयर क्या होंगे, घटेंगे, पर पैसा उतना ही आएगा आपके पास, कितना क्लियर है, क्लियर है सर। अच्छे से इंक्रीज और कंसोलिडेट समझ आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अच्छा, उसके बाद आप कन्वर्जन का काम भी कर सकते हो, अपने जो शेयर है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज करो आप क्या कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, ऑफ 10 each, 200 इक्विटी शेयर है आपके यहाँ ऑफ 5 rupees each, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि हमारे यहाँ 300 इक्विटी शेयर है और एक कॉमन डिनोमिनेशन इसके हिसाब से रख सकते हो। सिर के ऊपर से कई बात की समझ आए ये बता दो, स्टॉक बनाने का मतलब होता है शेयर है, आप उसको कॉमन बता दे रहे हो हमारे यहाँ टोटल इतने शेयर है, क्लियर है। तो अभी आप शेयर के साथ क्या क्या ऑल्टरेशन करें, ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करें, आप कंसोलिडेट किए और कन्वर्ट, ठीक है, फिर और क्या कर सकते हो, शेयर को सब डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब डिवाइड। एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो सब डिविजन क्या होगा, 2 शेयर कर दो 5 रुपए के, हो सकता नहीं, हो सकता, तोड़ दिए, डिवाइड करना बोलते हैं, समझ आया कि नहीं आया, आ गया। आखिरी चीज डिमाइन्यूशन कर सकते हो, डिमाइन्यूशन समझते हो ना, डिमाइन्यूशन मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो आपने अभी इशू नहीं किया उसको क्या करते हैं, डिमाइन्यूशन। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है बेटा, समझ आया कि नहीं आया, हाँ सर। तनिषा देखो ऐसा है बेटा कि अभी तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता देश में क्या होने वाला है आगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है, वी नेवर नो अ पेपर अब कब होगा, आगे कैसे होगा कोई भी पेपर, और अगर होगा अभी तो किसके पेरेंट्स अभी जाने देंगे, सही बोल रहा हूँ, गदर बोल रहा हूँ, है कि मतलब एक अगर हम पॉजिटिव अप्रोच अपना है तो जैसे सीएमए वालों ने पेपर्स को ऑनलाइन कर दिया है, फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों के, सीएस को भी क्या करना चाहिए, सीएमए इंटरमीडिएट ऑनलाइन ही हो रहा है, आपको पता है कि नहीं पता है, हाँ सर पिछले बार भी हुआ था, फाइनल तक का हुआ था, सीएस को भी यही कर देना चाहिए, ये बेमतलब अपने जिद पे अड़े हैं, इनको कर देना चाहिए ना, बच्चों का समय खराब हो रहा है और मोटिवेशन लेवल भी ऊपर नीचे होता है, तो मुझे तो लगता है कि ये कर देंगे ऑनलाइन, अगर हो गया तो आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है, yes, तो नहीं करें तो पेशेंस रखना, जीवन ज्यादा बड़ा है क्या करेंगे, जब खुलेगा तब एग्जाम देंगे, है ना, yes, ठीक है बेटा, चलो तो ये आप पहले बताओ तरीके समझ गए कि नहीं समझे ऑल्टरेशन के, आप शांत मन से पढ़ दो तो तरीकों को, और मुझसे फिर से कुछ पूछना हो तो पूछो, मुझसे कुछ पूछना है तो पूछो, इसमें सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, वर्ड नहीं समझ आया, सर ये लाइन नहीं समझ आई, yes, आपको क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, याद रखना शेयर कैपिटल कैसे कैसे ऑल्टर होता है, कर पाओगे ना, आएगा तो sir. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अब जैसे ये हो गया तो हम आते हैं बेटा प्रोसीजर पे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल को कैसे चेंज करना है, आपको अपना तरीका पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सबसे पहले क्या बुलाना है मेरे को, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग,
अच्छा अपने को आंसर को बढ़ाना है तो पहले लिख दो 7 दिन पहले क्या बुला दो, नोटिस बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बुलाया, फिर किसका नोटिस भेजे, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में क्या पास होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन 30 दिन के अंदर आरओसी को सबमिट करना है, रजिस्ट्रार को कैपिटल के लिए वो SHG7 जमा करोगे, ठीक है, MGT14 जमा करो स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए और फॉर्म नंबर SH7 जमा कर दो चेंज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए। तो मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा कि अब आप समझ गए होंगे, पढ़ के बता देता हूँ। पहला क्या है, आप चेक कर दो कि आर्टिकल में लिखा है कि नहीं ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हो कि नहीं, अगर नहीं दिखा है तो पहले आर्टिकल को चेंज करना पड़ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप कौन सी मीटिंग बुला लो, बोर्ड मीटिंग बुला दो, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग का क्या भेज दो, नोटिस भेज दो, नोटिस बुलाओ जनरल मीटिंग, वहां पे कौन सा रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल पास करना, ऑर्डिनरी दिखा मैं ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूँ स्पेशल, फिर 30 दिन के अंदर आप कैपिटल बदल रहे हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरो, SH7 भरो, और क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ इसलिए MGT14 ये बताओ आ गई, कोई तकलीफ इसको लेकर, अच्छे से है कि नहीं है ये बताओ, पढ़ पाए पूरा क्लियर है, एक एक लाइन जो मैंने बोली, एक एक लाइन जो मैंने बोली आपको समझ आएगी नहीं, हाँ या ना ये बताओ, अच्छा अब यहाँ पे ना एक ना क्लैरिटी दे रहा हूँ टेक्निकल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, कौन सा रिजोल्यूशन पास करो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है अपना, अपन क्या लिखे, स्पेशल, दोनों सिचुएशन समझ गलत इस्तेमाल हुआ है, तुम पढ़ने नहीं वाले थे क्या है साक्षी, ये तुम तो मेमे बना दोगे आगे चलो ऑर्डिनरी सीख लो, कब होता है ऑर्डिनरी का हिसाब ऐसा है कि सपोज करो आप जब MOA बनाए थे ना तो उसमें आपने अगर ऐसा लिख दिया एनी चेंज इन कैपिटल क्लॉज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एनी चेंज इन कैपिटल क्लॉज ऑफ AOA शैल ऑटोमेटिकली, शैल ऑटोमेटिकली हैव इफेक्ट ऑन MOA, मेरी बात को सीखो, AOA सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है कि नहीं है ये बताओ, AOA सबऑर्डिनेट है ना, तो MOA में आपने ये लिख दिया कि कल को अगर आर्टिकल में आप कैपिटल क्लॉज को बदलोगे, किसमें बदलोगे, आपको मेरी बात, अरे एक मेरी गलती मिस्टेक से मैंने लिख दिया, अगर आप मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज को बदलोगे तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ऑटोमेटिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज हो जाएगा, मतलब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, अगर मेमोरेंडम में आपके ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं तो आप केवल एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कैपिटल क्लॉज को बदल सकते हो। मैं फिर लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में यह लिखा है कि कल को अगर कैपिटल क्लॉज में कोई बदलाव आया तो मेमोरेंडम के बदलाव के साथ साथ आर्टिकल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, बात समझ आई कि नहीं आई, अच्छा अगर ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज मेंशन्ड, अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मेमोरेंडम के चेंज होने से आर्टिकल भी बदलेगा, तो इसमें क्या होगा, जब आप कैपिटल क्लॉज चेंज करोगे तो MOA में तो कैपिटल क्लॉज बदल रहा है, वेल एंड गुड, पर साथ साथ आपकी कंपनी के आर्टिकल्स भी बदल रहे हैं, क्या बदल रहा है आपकी कंपनी का आर्टिकल, उसमें भी जो था वो चेंज हो जाएगा, तो कभी भी आर्टिकल को चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, क्या लगता है, स्पेशल रिजोल्यूशन, मैं बहुत टेक्निकलिटी में ले गया हूँ, तो ना कंफ्यूज मत होना बेटा, मेमोरेंडम में अगर ये लिख दिया है ना कि मेमोरेंडम में कैपिटल को बदलोगे तो आर्टिकल में भी वर्ड्स अपने आप कैपिटल के बदल जाएंगे, अगर ये लैंग्वेज लिखी है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके भी शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज बदल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है
तो फिर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, क्योंकि आप कैपिटल के वर्ड्स जो है वो मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में भी बदलेंगे और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ना ये लिखा होता है कि कंपनी का कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो आर्टिकल में भी ऑथराइज शेयर कैपिटल के वर्ड्स बदलेंगे। तो अगर दोनों में बदलाव करना हो एमओए और एओए दोनों में तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, और केवल अगर एमओए में ही बदलाव है और उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट आर्टिकल में आ रहा है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी हो जाएगा। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? अच्छे से आए कि अभी भी कबाड़ा हो गया दिमाग का? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। अच्छे से ना, तो ना आप ये नीचे पढ़ोगे ना ये लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? जो मैंने बोला ना आपको ये मिल जाएगा। मेरी आवाज कट कट के तो नहीं आ रही है? नहीं सर। क्लियर है ना? तो आपने ना पूरा मेमोरेंडम का आर्टिकल कर दिया, सॉरी मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन कर दिया। समझ आया? हाँ सर। अब हम लोग एओए को ऑल्टर करेंगे। किसको ऑल्टर करेंगे? AOA. तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले कौन सी मीटिंग बुलाओ? बोर्ड मीटिंग। फिर जनरल मीटिंग। क्या पास करो? स्पेशल रिजोल्यूशन। 30 दिन के अंदर क्या? आरओसी को बताओ एमजीपी 14। बस हो गया, बस इतना ही बताओ। इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। तो एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है? एग्जाम में जो पूछता है वो ये पूछता है कि आर्टिकल में चेंज करने के जो लिमिटेशन है वो क्या है। मतलब आप आर्टिकल को अल्टर करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? अल्टर। अब ऐसा होगा कि आप ये अल्टरेशन नहीं कर पाओगे। सबसे पहला, आप अल्टरेशन ऐसा कर रहे हो जिससे आर्टिकल जो है वो मेमोरेंडम की पावर से ज्यादा जा रहा है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? आर्टिकल्स में कैसा अल्टरेशन है जिससे आप मेमोरेंडम की पावर को एक्सीड करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। आर्टिकल में एक ऐसा रूल आप लाना चाह रहे हो जो कंपनीज एक्ट से इनकंसिस्टेंट है या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, तो ला सकते हो कैसा रूल या कोई चेंज? नहीं। तीसरा, आप आर्टिकल में जो चेंज ला रहे हो वो इलीगल पर्पस के लिए है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ऐसा चेंज लाया जा सकता है? नहीं। तीन लिमिटेशन समझ आया कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ? चौथी बात, कभी भी जब आप ऑल्टरेशन करो तो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। अगर आप पर्सनल बेनिफिट के लिए आर्टिकल्स में कोई रूल चेंज कर रहे हो तो वो चीज सही नहीं है, गलत है। कितना समझ आई मेरी बात? आर्टिकल में कोई भी ऑल्टरेशन जो होगा वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, बोनाफाइड गुड फेथ में होना चाहिए। पर्सनल बेनिफिट के लिए करोगे तो ऑल्टरेशन अलाउ नहीं है। सिर के ऊपर से क्या क्या क्लियर है? क्लियर है। कोई भी ऑल्टरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो फ्रॉड नेचर का हो। जो मेजोरिटी है कंपनी की, माइनॉरिटी के साथ अगर फ्रॉड करना चाहे तो ऐसा होने देंगे क्या? नहीं। देन आर्टिकल में आप ऐसा कोई बदलाव नहीं ला सकते जिससे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की लायबिलिटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? लायबिलिटी बढ़ जाए। आप बता दो, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक, ये केस ऊपर जो दिया ना मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का, इसमें केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि मेजोरिटी शेयर होल्डर एक फैसला देना चाहते हैं, आर्टिकल में ऑल्टरेशन लाना चाहते हैं जिससे माइनॉरिटी का जो होता है शेयर ट्रांसफर करने का राइट या वोट करने का राइट छिन जाए, तो ऐसा ऑल्टरेशन सही माना जाए कि गलत माना जाए? गलत। गलत। अच्छे से क्लियर है? हाँ। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, आप एक ऐसा ऑल्टरेशन लाना चाहते हो जिससे कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, तो हो सकता है कैसा? नहीं सर। आपका ऑल्टरेशन कोर्ट के ऑर्डर से इनकंसिस्टेंट हो सकता है क्या? कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हो सकता है? नहीं सर। तो आपको ये लिमिटेशन एकदम दिमाग में बिठा देनी है। आपको समझ आई कि नहीं? आप पढ़ लो शांत मन से, कहीं डाउट हो तो बताना। आप हो गया बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। हो गया सर। बनेगा ये? हाँ। अच्छा, आर्टिकल में अल्टरेशन कैसे कैसे होता है? मैनर को कर दो। मैनर का मतलब होता है क्या चेंज लाते हो आप आर्टिकल में, तो या तो आप नए आर्टिकल लेकर आ जाते हो पूरे के पूरे, पूरे नए आर्टिकल मतलब पूरा सेट ऑफ रूल बदल देते हो। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। या तो कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज नया लेकर आते हो, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। किसी क्लॉज को डिलीट करते हो, इसमें कोई दिक्कत? नहीं।
किसी क्लॉज को अमेंड करते हो या किसी क्लॉज को सब्स्टिट्यूट करते हो, इतने तरीके होते हैं आर्टिकल को अल्टर करने के। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया? नहीं। ये VIMP है, कुछ पूछना है इसमें मुझसे? मुझसे कुछ पूछना है? नहीं सर। आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है, पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजो, फिर बोर्ड मीटिंग बुलाओ। बोर्ड मीटिंग हो गई तो आप जनरल मीटिंग का नोटिस भेजो। कौन सी मीटिंग बुलाओ? जनरल मीटिंग बुलाओ। कौन सा रेजोल्यूशन पास करे? स्पेशल 30 दिन के अंदर किसके पास जमा करा दो? आरओसी के पास। समझ गए? ये बताओ, समझ गए कि और समझाना पड़ेगा? समझ गए। अगर आपने आर्टिकल को चेंज कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या आता है? तो अगर आपने आर्टिकल को चेंज भी कर दिया है तो राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं हुई है। आज भी कंपनी अपने मेंबर्स के लिए बाउंड है और जो मेंबर्स है वो कंपनी के लिए बाउंड है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सर ये बस याद रखना कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, वो अपने अगर आर्टिकल्स को अल्टर करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, क्योंकि सेक्शन 8 के लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो आर्टिकल बदलने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। बात क्लियर है कि सिर के ऊपर से? क्लियर है। तो यहाँ पे जाके आपका एक वॉल्यूम खत्म हो गया पूरा। कोई तकलीफ? इसमें 5 चैप्टर पढ़ा डाला मैं आपको, ठीक है? आपको सिर्फ ये करना है। सब कैसे है? नोट्स है कि नहीं है फिजिकल? हाँ सर। आपको ये करना है? इसका नहीं है सर मेरे पास। अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाए तुम? नहीं सर, अभी क्लोज है सारे शॉप। बहुत तकलीफ है बेटा। क्या तुम इसको अभी PDF से पढ़ सकते हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में? हाँ सर, वही कर रही है अभी। तुमको तुम्हारा प्रिपेयर हो रहा है, समझ आ रहा है तुमको? हाँ सर। तुम्हारे 5 चैप्टर पहले नहीं हुए थे, है ना? अब हो गए? हाँ सर। ठीक है, तो ये अपना खत्म हो गया। अब अपन अगली शीट पकड़ेंगे, ठीक है, मंडे से। ठीक है बेटा? हाँ सर। 8:30 अपन ई गवर्नेंस के क्वेश्चन और कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? बारिश की और लाइट जाने की मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल मौसम ऊटपटांग होता रहता है और लाइट चली जाती है। बाकी सब अच्छा रहा तो 8:30 अपनी क्लास है, हम ई गवर्नेंस और कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। मैं आपको अभी वीडियो भेज दे रहा हूँ सुबह का और अभी का, ठीक है? हाँ सर। ये कर।